Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफान जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं लेमन पेपर चिकन। चलिए शुरू करते हैं, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए ये है आधा किलो चिकन, धोई हुई है, चर्बी निकाली हुई है, दो तीन पानी से धो के नितारने मैंने साइड पर रख दिया था। अच्छा, ये जो टांग के जो पीसेज हैं और दूसरे पीसेज भी है ना, उसमें मैंने थोड़े थोड़े गट्स लगाए हैं, गट्स आगे पीछे दोनों ओर है। और इसमें डाल दीजिए अब 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, या फिर मैं 3/4 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, 2 छोटे चाय के चम्मच नींबू का रस, आप 3 छोटे चाय के चम्मच भी डाल सकते हैं, 3/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया भी डाल दीजिए, और 100 ग्राम गाढ़ी दही, ठंडी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है। और ये सारी दही डालकर बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने आधे घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए, ढक दीजिएगा। और आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या बाहर रख दे, टेम्परेचर बेटर हो तो, लेकिन मैं हमेशा फ्रिज में ही ढक कर रख देती हूँ। आधा घंटा हो जाए तो एक कढ़ाई का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और 2-2.5 टेबल स्पून जितना मक्खन बटर यानी कि मस्का डाल दीजिए और इसे थोड़ा मेल्ट हो जाने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं गरम मसाले डाल देती हूँ। तो ये है 8-9 काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 1 डंडी दालचीनी की और 2 तेज पत्ता डालकर इसे बार बार चलाते हुए थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए तेल में गरम मसाले। जब गरम मसाले तड़तड़ा जाए तो डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और 2 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे डालकर आधे मिनट तक ही फ्राई कीजिए, मीडियम आंच कर दीजिए। और ये जो चिकन आप पीसेस साइड पर देख रहे हैं, इसे बिना जो मैरिनेट जो लगे हुए, ज़्यादा मैरिनेशन नहीं है, मैं उसे थोड़ा सा झटक झटक के डाल रही हूँ क्योंकि हमें ये जो मैरिनेशन है ना उसे काम में लाना है आगे जाके। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं इसे, जो भी ऊपर का थोड़ा थोड़ा मैरिनेशन है वो भी निकाल के सारी चिकन डाल देती हूँ इस तरीके से। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और 1-2 मिनट तक उसे फ्राई होने दीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए और इसे उलट पलट करते हुए इसे आपने पूरी तरीके से, मतलब गला नहीं रहे हैं हम, यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि दोनों ओर से जो वो चार डिफेक्ट आता है, जो स्पॉट्स आने लग जाते हैं चिकन के ऊपर, हमें वहाँ तक ही चिकन को बार बार चलाते हुए उलट पलट करते हुए फ्राई करना है। 6-7 मिनट लगेगी बेशक, बार बार आप ऐसा करोगे तो वो कलर चेंज होने में 6-7 मिनट लग जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ड्राई आउट हो गया और दोनों ओर से हल्के हल्के स्पॉट्स आने लगे हैं। अभी भी मैं थोड़े से और स्पॉट्स ले आ रही हूँ सो दैट अच्छे दोनों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट्स और आएंगे तो और मज़ेदार लगेगी हमारी चिकन। जब दोनों ओर से इस तरीके से ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाएँ तो जो हमने मैरिनेशन साइड पर रखा है वो सारा डाल दीजिए। अच्छा, जब आप चिकन डाल रहे हैं ना तो जितना निकाल सकें आप मैरिनेशन उतना निकाल दीजिएगा सो दैट आपको मैरिनेशन यहाँ ज़्यादा मिल सकता है। अब एक बार चला लीजिए हमारी चिकन के साथ मैरिनेशन को। मैं ना 1/4 कप पानी जिसमें मैरिनेट करने रखी थी उसमें डालकर चलाकर इसमें डाल देती हूँ। चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच, एक बार मिक्स कर लीजिए और चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे तब तक पकने दीजिए जब तक चिकन नहीं हो जाती। चलिए कुछ देर हो चुकी है, मेरी तो चिकन छोटी थी तो बहुत ही जल्दी गल चुकी है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून मलाई फ्रेश क्रीम डाल देती हूँ, मेरी बाजार की है, आप घर की भी डाल सकते हैं। इसमें 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ साइडवेज काट कर डाल दीजिए, मैंने 2-3 डाली हैं, और इसे एक बार चला लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने मलाई 3 टेबलस्पून यहाँ डाली बट मुझे हल्की कम लग रही तो मैं 2 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। अभी टोटली आपके ऊपर है, आप 3 टेबलस्पून भी रख सकते हैं मलाई को। अब मैं और 2 टेबलस्पून डालकर इसे एक बार चला लेती हूँ और इसमें है ना थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और ढक कर इसे स्लो आंच पर 1-2 मिनट के लिए सिर्फ सिमर होने रहने दीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। 1 मिनट हो गई है, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, एक बार चला लीजिए। अच्छा, निकालने से पहले यानी कि सर्व करने से पहले मैं यहाँ नींबू निचोड़ देती हूँ, तो आप 1/2 या 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इससे। एक बार चला लीजिए और गर्मा गर्म निकाल लीजिए सर्विंग डिश के अंदर और इसे सर्व कीजिए थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया से गार्निश करने के बाद। तो ये बन गई हमारी बढ़िया सी मज़ेदार डिलिशियस लेमन पेपर चिकन,
बहुत ही मज़ेदार चटपटी है, ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, जो मैंने मलाई डाली है, मैंने फ्रेश क्रीम बाज़ार के लिए, आप चाहे तो घर की भी ले सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आप जो क्रीम ले रहे हैं दूध मत लीजिएगा, सिर्फ मलाई ऊपर ऊपर से लेकर आप उसे मिक्सर जार के अंदर पीस लीजिए गाढ़ी मलाई को, और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। हरी मिर्चियाँ, काली मिर्चियों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।